मैं विशाल साठे चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त वनस्पति के दर्शन करवा रहा हूँ। ये जो वनस्पति है ये आजकल बड़ी डिमांड में है और लोग इसके पीछे दीवाने हुए जा रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं। इंग्लिश में अगर कहें तो दिस हर्ब नाउडेज इज ऑन फायर। क्यों ये मैं बताऊंगा आपको और ये क्या है ये भी बताऊंगा। ये क्या है आप पहचानने की पहले कोशिश कीजिए। ये दिखने में जो नॉर्मल हल्दी है उसके पौधे जैसा ही नज़र आ रहा है, लेकिन ये नॉर्मल हल्दी का पौधा नहीं है। बॉटनिकली अगर बात की जाए तो एक जिंजर फैमिली है बहुत ही बड़ी बॉटनी में, जिसमें अदरक भी आता है और उसके अलावा और भी बहुत सारे हर्ब्स इसमें आते हैं, उसमें हल्दी भी आती है। तो अगर विश्व की बात की जाए तो पूरे विश्व में 80 से भी तकरीबन 80 हल्दियाँ है, जिसमें 30 तरह की हल्दियाँ भारत में पाई जाती है। तो ये जो है ये दिव्य पौधा कस्तूरी मंजाल का है, जिसे जंगली हल्दी भी कहा जाता है। इसे बॉटनिकली करक्यूमा एरोमैटिका कहा जाता है, जबकि नॉर्मल हल्दी को करक्यूमा लॉन्गा कहा जाता है। आजकल इस पर बहुत सारा रिसर्च चल रहा है और लोग इसके पीछे इसलिए पागल हो रहे हैं क्योंकि इसके बहुत ही ज़बरदस्त एंटी कैंसर गुण पाए गए हैं और इसमें इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज भी पाए गए हैं। इसमें से एक्चुअली यहाँ से एक नया पत्ता निकल रहा है, ये पत्ता निकलेगा इसमें से, इसके बाद इसको एक बहुत ही सुंदर फूल लगेगा जो कि पिंक और वाइट कलर का होता है और उसके बीचों बीच बहुत ही बढ़िया येलो कलर भी होता है। इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल लगता है, इससे ही इसकी खास करके पहचान की जाती है। जंगल में ये एक्चुअली दुर्लभ है, लेकिन जहाँ पे ये होता है वहाँ पे साथ में इसके बहुत सारे पौधे लगते हैं, ज़मीन पे लगे हुए नज़र आते हैं। जहाँ पे होता है वहाँ काफ़ी बार उस एरिया में बहुतायत में हो जाता है, तो इसके फूल से ही इसकी पहचान की जाती है। और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है और ये खास करके हर तरह के चर्म विकार के लिए तो एकदम ही ज़बरदस्त है और ये इसमें बहुत ही ज़बरदस्त एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है। अगर कहीं झुर्रियाँ होगी हो, ये झुर्रियों को मिटाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये फेशियल बालों को ख़त्म करने के लिए एक दिव्य वनस्पति है। इसके अलावा अगर किसी को झाइयाँ हो गई है इससे वो दूर होती है, कील मुहा से इससे दूर होते हैं। अगर निशान पड़ गए हैं बॉडी पे कहीं तो ये निशान को भी गायब करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। स्पेशली ये स्ट्रेच मार्क्स के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है, ये उनको बड़े तेज़ी से मिटाता है। और अगर स्किन डल हो गई है ये ग्लो लाता है, ये स्किन को फेयर भी बनाता है। और अगर कहीं कट गया है, जल गया है, ये सब में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। और ये इसमें ज़बरदस्त एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, ये एंटी फंगल भी है और ये एंटी ऑक्सीडेंट गुणों से ये परिपूर्ण है। ये इसमें बहुत ही ज़बरदस्त एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं। तो ये इसको मैं यहाँ पे खरपतवार निकाल रहा था। एक्चुअली इसको मैं 2 साल पहले जंगल से लाया था, तब मैंने इसका कंद यहाँ पे बोया था और एक्सीडेंटली ऐसा होने वाला था कि मैं इसको उखाड़ के फेंक देने वाला था, लेकिन सडनली एकदम से मेरा ध्यान गया। मैंने कहा अरे ये तो कस्तूरी मंजाल है, मैंने सही वक्त पे इसको पहचान लिया। और काफ़ी लोग इसमें और जो आंबा हल्दी होती है उसमें धोखा खा जाते हैं। तो एक्चुअली अगर इसको खोदे तो नीचे से हल्दी जैसा एक हल्दी का कंद निकलता है, और अंबा हल्दी को अगर काटते हैं तो उसमें से आम जैसा स्मेल आता है, लेकिन इसको अगर काटते हैं तो इसमें से कस्तूरी जैसा स्मेल आता है या फिर कपूर जैसा स्मेल आता है। और इसका कलर क्रीमिश होता है जबकि अंबा हल्दी का कलर येल्लो होता है। तो
इसके अलावा कंदों की मैं आपको विशेषता बता दूं, कंद यूजुअली मरते नहीं हैं। अगर एक बार कंद लगा दिया जाए कहीं पे तो हर साल उसमें से पौधा निकलता है और सीजन में ये पौधा हो कर के और बाद में मर जाता है पौधा, लेकिन कंद जिंदा रहता है। और कंद को अगर दो टुकड़ों में काट भी दिया जाए और अलग अलग बो दिया जाए तो अलग अलग दो पौधे भी इसमें से बन जाते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी कस्तूरी मंजाल के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही ज़बरदस्त चर्चा में है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। वीडियोस को लाइक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे वीडियो प्रमोट होता है, लोगों को पता लगता है कि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। तो अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।